सो हे गाइस, आज की वीडियो में अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं बेंटन अल्टीमेट एलियन के बेंटन 10,000 रिटर्न के एपिसोड को लेकर। तो गुरु लोग, ये कहानी स्टार्ट होती है 20 साल बाद बेलवुड सिटी में, जहां पर इयोन बेंटन 10,000 के हेडक्वार्टर में आतंक मचा देता है और कहता है, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। और तभी बेन कहता है कि अबे छुप कौन रहा है, अपन तो स्टाइल से एंट्री मारने वाला है। और इतना ही कहते बेन इयोन को एक किक मार देता है और कहता है, ये क्या है इयोन, तुम मुझ पर अकेले हमला कर रहे हो, वो भी मेरे हेडक्वार्टर्स में आकर, कैसा बेहुदा प्लान है। इयोन कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे किसी प्लान की जरूरत नहीं है, और कौन कहता है कि मैं अकेला आया हूँ। और इयोन के बस इतना ही कहते वहाँ पे इयोन के निंजा फाइटर्स आ जाते हैं, और फिर बेन इयोन के निंजा फाइटर्स को एक एक करके तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और तभी इयोन के सारे निंजा फाइटर्स बेन को घेर लेते हैं, और इयोन कहता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश हो बाबा तो बता दो, अभी पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। और फिर बेन कहता है कि आखिरी ख्वाहिश की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें पड़ने वाली है। और इतना ही कहते बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट ह्यूमांगस और में ट्रांसफॉर्म होके बेन इयोन के निंजा फाइटर्स को चीटियों की तरह मारने लगता है, और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आर्टिगुआना में। इयोन के बचे हुए निंजा फाइटर्स को बेन अपने बर्फ से जमा के इयोन से कहता है कि रुके रहो, अभी और भी एलियंस बचे हुए हैं। और गुरु लोग, इतना ही कहते बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट ब्लास्ट में, और बर्फ के बाद बारी आती है आग बरसाने की। और तभी इयोन बेन से कहता है, इतने साल मैंने कई अलग अलग तरह के लोगों से लड़ाई की है, पर तुम्हारे जैसी काबिलियत किसी में नहीं थी। और फिर बेन कहता है कि हम इससे पहले भी लड़ चुके हैं, पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इयोन कहता है कि वो मैं नहीं था टेनिसन, और मैं अब तुम्हें अपने टाइम रेस से मिटा दूंगा। और तभी बेन गुस्सा जाता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारे ही पास टाइम्स की पावर नहीं है, मेरे पास भी टाइम ट्रैवलिंग की पावर है। और इतना ही कहते बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्लॉक वॉक में। और तभी इयोन की टाइम रेस और क्लॉक वॉक की टाइम रेस एक दूसरे से टकराती है और इयोन तबाह हो जाता है। और जैसे ही बेन इयोन को हरा देता है, वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं, और फिर बेन कहता है, कैसे हो पैराडॉक्स, सब कुछ खत्म होने के बाद आना आपकी पुरानी आदत है। और तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है। और पैराडॉक्स के इतना कहने के बाद एक बार हमें फिर से 20 साल पहले की बेन की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहां पर टेनिसन जी का लौंडा ग्वेन एंड केविन के साथ में अपनी कार में गेड़िया मारा करता है। और टीम टेनिसन आपस में बहस करती है कि कितने टाइम के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं। और केविन कहता है कि तुम्हारे अल्टीमेट्रिक्स में आखिर में हुआ क्या है। और तभी बेन कहता है कि हो सकता है अल्टीमेट्रिक्स ने आसपास किसी अनजान एलियन के डीएनए को एब्जॉर्ब किया हो, या फिर मैंने को वापस से खराब कर दिया हो। और तभी टीम टेनिसन वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे अल्टीमेट्रिक्स उन्हें नेविगेट करता है। अल्टीमेट्रिक्स में फाइनली टीम टेनिसन वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे अल्टीमेट्रिक्स उन्हें ले जाना चाहता है। और क्वेन सबसे कहती है कि किसी चीज को छूना मत, वरना अलार्म बज जाएगा और हम सभी मुसीबत में आ जाएंगे। और तभी केविन एक बॉक्स पे काफी तेजी से पंच मारता है और कहता है कि हम एक गलती पहले ही कर चुके हैं म्यूजियम में चुपके से घुस के, तो अब क्या ही फर्क पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। और तभी टीम टेनिसन को एक पत्थर मिलता है जिसपे काफी सारे हिस्टोरिकल सिंबल्स बने हुए होते हैं। ग्वेन से पूछता है कि क्या ये कोई मैजिकल स्पेल्स हैं, तो ग्वेन कहती है कि नहीं, मैं किसी मैजिक को यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे ही बेन उस पत्थर को छूता है, अल्टीमेट्रिक्स के अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी से इयोन के काफी सारे निंजा फाइटर्स उस पोर्टल से निकल आते हैं। और तभी टीम टेनिसन और उन सारे निंजा फाइटर्स की आपस में फाइट होने लगती है, जहाँ पे टीम टेनिसन उन सारे निंजा फाइटर्स को हरा देते हैं। और जैसे ही वो निंजास डिफीट हो जाते हैं, वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। और ये देख के बेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर में वो लोग थे कौन। और केविन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, हमने उन्हें हरा दिया, हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट रखता है। और बेन कहता है कि हाँ, हमने उन्हें हरा दिया। और तभी तुम नहीं जीते बेंजामिन, चल अब देखा नहीं, बदमाश पूरी तरह से गायब हो गया, इयोन पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है, तुमने उसे सिर्फ अपने टाइमलाइन में से हटाया है, रुकिए, उसने कहा क्रॉस लाइन में सफर कर रहा है, तो क्या उसने तुम्हें ऊपर है और तुम्हें तुम्हारे ही पास में भेजा ताकि तुम अपना ही सामना करो। और तभी हमें एक बार फिर से अपनी रियल टाइमलाइन को दिखाया जाता है, जहां पे ग्वेन उस पत्थर के पास में जाती है और कहती है कि मुझे दूसरी साइड से मैना महसूस हो रहा है। तभी मेरी प्यारी ग्वेन उस पत्थर के पास जाके एक सच दिखाने वाला जादू का मंत्र फूंकती है और उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है। और तभी बेन कहता है कि ये सारी चीजें तो हमारे बचपन से जुड़ी हुई हैं, पर हमको इस बारे में याद क्यों नहीं है। और तभी उस पत्थर से एक एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से ग्वेन काफी ज्यादा कमजोर होकर गिर जाती है। और फिर केविन कहता है कि हो सकता है तुम लोगों की मेमोरी को किसी ने गायब कर दिया हो। और तभी बेन कहता है कि हो सकता है कि ये किसी तरीके का टाइम ट्रैवल भी और हो। बेन के इतना ही कहने के बाद में वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स और बेन 10,000। बेन पैराडॉक्स को देख के हाय बोलती है और केविन बोलता है, आपके साथ ये दोस्त आपका कौन है। और तभी बेन 10,000 के पास में चला जाता है और उसकी हरकतों के हिसाब से बेन को पता चल जाता है कि ये तो फ्यूचर वाला मैं हूँ। और तभी बेन 10,000 कहता है कि तुम सही पकड़े हो, मैं तुम ही हूँ, पर तुमसे थोड़ा ज्यादा कूल हूँ। और तभी केविन कहता है कि मैंने
तुम्हारे बारे में सुना है, तुम फ्यूचर से आए हो ना? और तभी बेन 10,000 कहता है कि नहीं, मैं एक अलग यूनिवर्स का बेन हूँ, पर मुझे वो याद है जब हम छोटे थे और फ्यूचर में गए थे, पर वो काफी ज्यादा बोरिंग था। और तभी बेन खुश होकर कहता है कि तुम मेरा फ्यूचर हो। वहीं पे पैराडॉक्स आके कहते हैं, हाँ फ्यूचर तो हो, पर अगर बीच में कोई गड़बड़ ना हुई तो। क्योंकि गुरु लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इसी वजह से मैंने कुछ टाइम के नियम्स और कानून को तोड़ दिया है। और अगर इस होने वाली अनहोनी से तुम बच जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और तभी बेन कहता है कि क्या हम मुसीबत में हैं? बेन के इतना ही कहते बेन 10,000 फ्यूचर की सारी बातें बताने लगता है कि कैसे बेन प्रेसिडेंट बन जाता है, कैसे क्वेन इतनी ज्यादा तरक्की करती है और फलाना ढिमकाना। और तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन 10,000 से कहते हैं कि इन बच्चों को अपना फ्यूचर खुद देखने दो, पर उसके लिए इनको इस आने वाली मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और इससे बचना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद ही प्रोफेसर पैराडॉक्स उस पत्थर के पास में चले जाते हैं और कहते हैं कि यही सारी मुसीबतों का जड़ है, इसको हमें अपने साथ ले जाना होगा तबाह करने के लिए। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन अपने स्पेसशिप में टीम टेनिसन और उस पत्थर के साथ में कहीं जा रहे होते हैं। और तभी केविन प्रोफेसर पैराडॉक्स से पूछता है कि आपको पता है ना कहां लेके जा रहे हो हमको? और तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और इतना ही सुनते केविन कहता है, आपकी बात तो मेरे पल्ले पड़ती नहीं है तो चुप ही रहो। और फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि केविन बच्चे तुम बुराई बहुत अच्छी कर लेते हो मेरी। फिर केविन कहता है कि आपने बताया था कि कैसे बेन अपने फ्यूचर बेन से मिलता है, पर वो ये बेन नहीं था, तो आखिर में मामला क्या चल रहा है और ये सब हो क्या रहा है गुरु? और फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स इन सारी गुत्थियों को एक्सप्लेन करता है। तुमने क्रॉस टाइम में सफर किया, मतलब एक पैरेलल वर्ल्ड? बिल्कुल, इसीलिए फ्यूचर वाले बेन को ये याद नहीं था कि उसके साथ ऐसा पहले हुआ है, पर तुम्हें ये सब कुछ याद है। और तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि जैसे कि ग्वेन ने अंदाजा लगाया कि हम सभी ने क्रॉस टाइम में सफर किया है। और उन सारे मल्टीवर्स के यूनिवर्स में किसी बेन के पास ओमनीट्रिक्स है, किसी ग्वेन के पास ओमनीट्रिक्स है, किसी केविन के पास ओमनीट्रिक्स है, और वो सारे यूनिवर्स उतने ही ज्यादा रियल और सच्चे हैं जितने के हमारे यूनिवर्स है, पर हमारे और उनके यूनिवर्स में कभी क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए। और तभी बेन 10,000 कहता है कि ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ इसी वजह से हो रही है क्योंकि ये पत्थर जिसे हैंड ऑफ आर्मागेडन नाम से जाना जाता है, ये पैरेलल यूनिवर्स में क्रॉस ओवर करने वाला एक डोर है। और बेन के इतना ही कहते प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि वापस एक गेटवे खुलने वाला है, तो हमें जल्दी करना होगा और जल्दी से जल्दी इस पत्थर को तबाह करना होगा। और इतना कहने के बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि मैं तुमसे जमीन पे मिलूंगा अगर तुम सब बच गए तो, और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर स्पेसशिप में हलचल देख के स्पेसशिप के कार्गो वे में टीम टेनिसन जाती है, जहाँ पे इयोन के भेजे हुए निंजा फाइटर्स वापस से आ जाते हैं। और तभी बेन कहता है कि मुझे पता था कि पैराडॉक्स के जाते हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। और तभी ग्वेन कहती है कि इन्हें हमसे चाहिए क्या? बेन 10,000 कहता है कि ये हमें क्रैश करना चाहते हैं। तभी बेन बोलता है, चाहते तो बहुत कुछ है ये लोग, पर कुछ कर नहीं पाएंगे। और इतना कहने के बाद हमारा बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है गूप एलियन में, और अकेले ही सारे निंजा फाइटर्स को तोड़ना चालू कर देता है। और बेन को एक्शन में देख के बेन 10,000 से भी नहीं रहा जाता, और फिर वो एक के बाद एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उन सारे निंजा फाइटर्स को तोड़ने लगता है। एक साइड टीम टेनिसन एयोन के भेजे हुए निंजा फाइटर से लड़ती है, दूसरी साइड केविन अपने स्पेसशिप को चलाता है और कहता है कि मेरे प्लेन को तोड़ना मत। तभी निंजा फाइटर्स केविन के पास में आ जाते हैं और स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल को तबाह कर देते है, और वहाँ से एक के बाद एक सारे निंजा फाइटर्स गायब हो जाते हैं। और गुरु लोग तभी बेन 10,000 बहुत ही धाकड़ और स्टाइलिश तरीके से केविन 11 के स्पेसशिप से कूदकर जेटरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जेटरे की पावर और अपनी होशियारी की हेल्प से स्पेसशिप को बिना डैमेज किए हुए धरती पे लैंड करा देता है। और तभी ग्वेन बेन 10,000 से कहती है कि तुमने एक स्पेसशिप को लैंड कर दिया, और बेन कहता है, हाँ वो भी बाहर से, है ना ये कूल। और तभी हमारे बेन के मुंह से लार टपकने लगती है और वो बेन 10,000 से पूछता है कि आखिर में तुम बिना ट्रांसफॉर्म हुए कैसे ये सब कर लेते हो? और बेन 10,000 कहता है कि मुझे सालों से ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं पड़ी है, जब से मुझे मेरा बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया है। बेन के चेस्ट पे अल्टीमेट्रिक्स का सिंबल देख के ग्वेन को पता चल जाता है कि ये बेन अपने अल्टीमेट फॉर्म में है, यानी कि अल्टीमेट बेन के फॉर्म में। और इतना सुनने के बाद में बेन के मन में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी जग जाती है और वो बेन 10,000 से पूछता है कि इसके साथ कौन कौन सी पावर्स आती है। तभी बेन 10,000 कहता है कि टाइम के साथ तुम्हें ये सब चीजें पता चल जाएंगी, और केविन मुंह बना के कहता है कि ठीक है ये सब तो, पर इतना दूर हमें आर्मागेडन के डिजर्ट में उठा के क्यों ले आए, यहाँ पे लूडो तो खेलेंगे नहीं। और तभी सारी कला कांडी हो जाने के बाद में प्रोफेसर पैराडॉक्स वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और कहता है कि हम यहाँ लूडो खेलने के लिए नहीं, इस पत्थर को तोड़ने के लिए आए हैं, और बताने लगता है आर्मागेडन हैंड का इतिहास। टीम टेनिसन और प्रोफेसर पैराडॉक्स की इतनी ज्यादा बकैती करने के बाद में एक ही सार निकलता है
कहानी का कि बेन और बेन 10,000 को अपनी पावर से उस पत्थर को तबाह करना पड़ेगा। और तभी दोनों बेन उस पत्थर के पास में जाते हैं और बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेबिग में और बेन 10,000 ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्लॉकवॉक में। और गुरु लोग दोनों बेन अपनी पूरी पावर लगा देते हैं उस पत्थर को तोड़ने के लिए। लेकिन किंतु परंतु वहीं पे आता है कहानी के अंदर में ट्विस्ट। क्लॉकवॉक और बेबिग की पावर को वो पोर्टल एब्जॉर्ब करता है और उनके ओमनीट्रिक्स का कलर पर्पलिश में बदल जाता है। और तभी पीपी कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और इनको रोकना पड़ेगा। लेकिन अब दोनों बेन को रोकने में काफी ज्यादा लेट हो जाता है और उन दोनों के पावर्स की वजह से उस पोर्टल से एक एनर्जी बाहर आती है जिसकी वजह से इयोन बाहर आ जाता है। पर बाबू भैया, इस बार इयोन अकेले नहीं आता है, अपने साथ में अपने निंजा फाइटर्स को भी साथ में लाता है। जैसे ही इयोन उस पोर्टल से निकलता है कहता है अब मैं आजाद हो चुका हूँ, तैसे ही बेन कहता है बस थोड़ी देर के लिए, बस उठने दो हमको, अभी तुमको उस पोर्टल के थ्रू वापस भेजते हैं। इयोन बेन की बात सुन के तिलमिला जाता है और कहता है कि तुम हमको वापस भेजोगे और अपने टाइम रे की हेल्प से बेबी की पूरी छवि को ही मिटा देता है। और तभी मेरी प्यारी क्वेन अपने मैना पावर की हेल्प से एक शील्ड तैयार कर लेती है और बेन को कवर कर लेती है। और गुरु लोग तभी वहाँ पे बेन 10,000 आ जाता है और कहता है कि इयोन की रे जिस भी चीज को छू देगी वो चीज मिट्टी में बदल जाएगी। तो भैया थोड़ा संभल के रहना। तभी बेन कहता है कि संभल की तो अब इयोन को रहना पड़ेगा और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्वयं फायर में। और फिर एक बार वो इयोन को देखता है तो लगता है कि स्वयं फायर थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, तो क्यों ना हम अल्टीमेट स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। और अल्टीमेट स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद टीम टेनिसन और बेन इयोन के निंजा फाइटर्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर अल्टीमेट स्वयं फायर अकेले ही चला जाता है इयोन से भिड़ने के लिए, जहां पे पहले तो वो उसको बलबय कूटता है। पर भैया इयोन भी कच्ची गोटियां खेल के बड़ा नहीं होता है, वो भी अल्टीमेट स्वयं फायर को चकमा दे देता है और अपने टाइम रे की हेल्प से अल्टीमेट स्वयं फायर और स्वयं फायर के डीएनए को अल्टीमेट रे से ही मिटा देता है। अल्टीमेट स्वयं फायर और स्वयं फायर को मारने के बाद में इयोन बेन को मारने जाता है, लेकिन तभी वहां पे बेन 10,000 आ जाता है। और जैसे ही इयोन अपने टाइम रे से बेन को मारने की कोशिश करता है, बेन 10,000 डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होके एक शील्ड बना देता है क्रिस्टल की। और इयोन से कहता है कि जितना टाइम रे आजमाना है आजमा लो, क्योंकि डायमंड की कोई एज नहीं होती। और तभी इयोन कहता है मैं तो यहाँ छोटे बेन को मारने के लिए आया था, पर अब साथ में तुम्हें भी लपेट दूंगा। और इतना ही कहते इयोन बेन 10,000 के ऊपर भी अपने टाइम रे से अटैक करता है, पर तभी बेन 10,000 ग्वेन की तरह एक मैना का शील्ड बना देता है और कहता है इतने दिन तक एनो डाइटियन के साथ में रह के कुछ तो सीखेंगे। यहाँ पे इतना बड़ा कांड होता रहता है और दूसरी साइड में ग्वेन एंड केविन निंजा फाइटर से ही लड़ने में उलझे रहते हैं। तभी केविन को शक होता है कि आखिर में ये लोग बोलते क्यों नहीं, बस लड़ ही क्यों रहे हैं। और तभी मेरी प्यारी ग्वेन एक जादू मंत्र फूंकती है जिससे वो सारे निंजा फाइटर्स रुक जाते हैं अपनी जगह पे। तभी ग्वेन एंड केविन एक एक करके सारे निंजा फाइटर्स के जब हेलमेट को उतारती है तो पता चलता है कि साला ये तो सारे बेन हैं। और तभी ग्वेन बेन को बुलाती है तो वहाँ पे बेन 10,000 और बेन दोनों आ जाते हैं। उसी वक्त इयोन का सारा भंडा पास हो जाता है कि ये इयोन सिर्फ बेन को मारता नहीं है, उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब करता है और उन्हें बंदी बना लेता है। और तभी इयोन कहता है कि तुम्हें मेरा राज भले ही पता चल गया हो, मैं बेन टेनिसन को मारता ही नहीं हूँ, उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करता हूँ ताकि एक ऐसा टाइमलाइन बना सकूं जिसमें सिर्फ मैं अकेला ही बेन रहूं। और गुरु लोग जैसे ही इयोन अपने हेलमेट को हटाता है सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि इयोन बेन का ही एक वेरिएंट होता है। और तभी वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स यानी कि मेरे प्यारे पीपी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और तभी इयोन कहता है कि तुम रोक पाओगे जो ऐसा बोल रहे हो। फिर पीपी कहते हैं कि हम रोक तो नहीं पाएंगे पर तुम्हारा पीछा जिंदगी भर करेंगे। और तभी इयोन कहता है कि कर लो, उससे ज्यादा कर ही क्या सकते हो तुम। तभी छोटे बेन के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो कहता है कि इयोन तो हैंड ऑफ आर्मागेडन के थ्रू आया ही नहीं, वो तो हमारे वॉचेस के थ्रू आया है। तो गुरु लोग एक काम करो कि तुम लोग इयोन को संभालो, मैं कुछ तोड़ के आता हूँ। बेन के इतना ही कहते इयोन हमला कर देता है टीम टेनिसन पे और छोटा बेन जटरे में ट्रांसफॉर्म होके तोड़ने लगता है हैंड ऑफ आर्मागेडन के पत्थर को। और छोटे बेन को हैंड ऑफ आर्मागेडन तोड़ते हुए देख के इयोन को लग जाता है कि अब हमारा अंतिम समय आ चुका है। इयोन अपने टाइम ऑफ आर्मागेडन को तोड़ देता है और हैंड ऑफ आर्मागेडन के टूटते ही इयोन काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। इयोन की शक्तियाँ उसके पास से जाने लगती है और इयोन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इयोन के पूरी तरह तबाह हो जाने के बाद पीपी कहते हैं कि इयोन ने जितनी कला कांडी और रायते फैलाए थे, इयोन के जाने के बाद में कुछ ही देर में वो सारे यूनिवर्स में फैले हुए रायते अपने आप समेट जाएंगे। एंड इसके अलावा प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन 10,000 को इशारा करते हैं कि जाके अल्टीमेट रिक्स के अंदर में बेबिग स्वयं फायर और अल्टीमेट स्वयं फायर के डीएनए को वापस से रीसेट कर दो। और तभी बेन 10,000
बेंटन के अल्टीमेट्रिक्स के अंदर में सारी प्लेलिस्ट को वापस से रीसेट कर देता है। इसके अलावा काफी सारे नए एलियंस को भी अनलॉक कर देता है और फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स बेंटन 1000 को उसके ओरिजिनल टाइमलाइन में लेके चला जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स जाते जाते बेन को काफी सारी धमकियां और डरा के जाते हैं कि बहुत सारे खतरे आने वाले हैं, बहुत सब बच के रहना। पर गुरु लोग बेन कहा किसी की सुनने वीडियो के साथ में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।